आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं वेब स्क्रिप्टिंग। वेब स्क्रिप्टिंग मतलब कि जो वेबसाइट है हमारा, उस वेबसाइट का जो डेटा है, उस डेटा को कैसे हम लेके आएंगे एक्सेल सीट पे, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो जरूरत क्यों पड़ती है वेब स्क्रिप्टिंग की, चलिए इसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जिसका डेटा लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूं, दो मिनट दीजिए मैं। डाउन हो गया। तो वेबसाइट पे कुछ ऐसा डेटा है जहां से थोड़ा कॉपी करना मुश्किल होता है, या आप कॉपी करते तो कॉपी नहीं होता है सही फॉर्मेट में। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, पीडीएफ है, उसको वेब स्क्रिप्टिंग का हम यूज करते हैं। कोई एक सही एक साइट खोल रहा हूँ पहले। सर रिकॉर्डिंग का परमिशन दे चुका हूँ मैं सर, अभी ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा पुनीत जी अभी ज्वाइन किए? जी जी सर। मिल गया जैसे यही देख जी सर। अब इसी डेटा को देख लीजिए जो आपके सामने दिख रहा है। अब इस डेटा को मुझे कॉपी करना है, पूरा डेटा दिख रहा है आपको सर? तो कॉपी करने में सिलेक्शन और बहुत सारी चीजों की दिक्कत होती है ना सर, कैसे सेलेक्ट करें कैसे डालें। तो हम इस पाथ को कॉपी करेंगे और पाथ को कॉपी करके हम चले जाएंगे डेटा में, गेट एक्सटर्नल डेटा फ्रॉम फ्रॉम वेब। वेब में हम उस पाथ को यहां डाल के गो करते हैं। और यहाँ इंपोर्ट देखिए अभी डिसेबल है, आप इंतजार कीजिए, ये आपका पूछेगा तो यस यस कीजिएगा, ये जावास्क्रिप्ट का है। उसके बाद तो इंतजार कीजिए कि ये आ जाए, इंपोर्ट आपका एक्टिवेट हो जाए। अब यहां पे इंपोर्ट हमारा एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा, कुछ बचा हुआ लग रहा है। जावास्क्रिप्ट सही से डाउनलोड नहीं हुआ है। इंपोर्ट आ गया ना। अब इसमें देखिए एरो का निशान आपको दिख रहा है सर, ये एरो के निशान इंडिकेट करता है कि आपको पूरा डेटा लेना है या कुछ पार्ट लेना है। तो जैसे कि हमने इस पे क्लिक कर दिया तो ये आपका जहां तक ये निशान चल रहा है वहां तक आपका डेटा कॉपी करेगा। सिलेक्ट करके इंपोर्ट करता हूँ। ध्यान रखिए जब भी डेटा आपका वेब स्क्रिप्टिंग वेब से आएगा सिर्फ डेटा आएगा, बाकी जो आपकी जो फॉर्मेटिंग वगैरह कलर वगैरह होता है वो नहीं आएगा, वो सिर्फ टेक्स्ट को लेके आएगा। ये देखिए पूरा डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। अब जैसे मान लीजिए कि मैं स्टॉक एक्सचेंज होता है एनएससी की साइट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसको खोलते हैं एनएससी इंडिया। ये रनिंग चल रहा है, थोड़ा सा लग रहा है इंटरनेट में प्रॉब्लम है क्या, आज आ जाएगा सर। ये यहाँ दिख रहा है नीचे रनिंग बैकग्राउंड क्यूरी, डाउनलोड कर आ गया, देखिए डेटा आ गया। अब ये ऊपर की जो चीजें आई है आपकी, ये आपका आया है, इसको डिलीट कर दीजिए, आपका डेटा बन गया।
सिटी अहमदाबाद, ईमेल आईडी, ये सब आपके सामने दिख गया। ठीक है सर, फोन नंबर सब आ गया, तो इंटरनेट से डेटा इजीली कॉपी पे होके आ गया एक फॉर्मेट में। हम नॉर्मल कॉपी करते तो इस तरह से आता चाहे नहीं भी आता, लेकिन ओवरऑल डेटा आया हुआ है। हम बात कर रहे हैं एनएससी की साइट पे जाते हैं और एनएससी की साइट को हम स्किप करते हैं। टेस्ट किया एंड गो। अब इसमें क्या होता है कि जो डेटा टेबल फॉर्मेट में होता है ना, उसको जल्दी इनक्रिप्ट कर लेता है। टेबल फॉर्मेट में जो होता है, अब जैसे कि इसको देखिए, इस जो डेटा आपको ये आ रहा है फ्लैश फिलर पे डेटा नहीं है, डेटा आ रहा है उसको जल्दी वो ये कर लेता है। जैसे कि हमने इस पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे जो अभी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे वेबसाइट के डेटा को, आई थिंक फ्लैश फेयर अनेबल नहीं है, बनना है पे यहाँ पे जो दिखता वो चीज यहाँ पे आपको आएगा, लेकिन ये चीज हमें नहीं चाहिए। तो जहां जहां ये एलो का निशान लगा हुआ है वो सारे चीज को आप सिर्फ उसी पर्टिकुलर पार्ट को चाहो तो लेके आ सकते हो। अगर ये सब चीजें देखिए येलो निशान में नहीं है मतलब इसको नहीं ला सकते, पहले था लेकिन अब लग रहा है वेबसाइट अपडेट कर दिया है इस कारण से यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पे आते हैं, खाली है मैंने। ये आपका लाइव स्टॉक मार्केट दिख रहा है सर आपका, है निफ्टी 50 में, यहाँ से आप अपना चेंज कर सकते हो किसको देखना है, उसके बाद यहाँ और टेबल है आपका, म्यूट कर लीजिए। सब तो म्यूट है, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे इसी पार्ट को चाहिए लाइव जो निफ्टी के अंदर है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके यहाँ इंपोर्ट कर दिया। यस एंड ओके। नो डेटा, अच्छा आना चाहिए। मैं दोबारा करता हूँ, गूगल पे आ सकता है क्या? गूगल फाइनेंस है? नहीं, गूगल फाइनेंस पे भी नहीं होता, वो उसका साइट चेंज हो गया, पहले ठीक था आता स्किप्ट होता था, बट उन्होंने साइट जब चेंज कर दिया ना दिक्कत हो गई सर। ये भी तो बन रहा था लाइव स्टॉक, अभी हट गया। एक बार रिफ्रेश करता हूँ, हाँ आ गया ना। इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये इसको सेलेक्ट करने का मतलब है कि पूरा आना चाहिए,
पूरा टेबल इंपोर्ट होना चाहिए। तो ऐसा करने पे होता है पूरा टेबल इंपोर्ट होता है, हम किए हैं। ये आ रहा है एरर। ऐसा नहीं होना चाहिए था। माय एनएससी पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन है। तो यहाँ से स्टॉक मार्केट का डेटा आता है, हम देखे हैं इसका किए है। जावास्क्रिप्ट की प्रॉब्लम होती है, किसी पीसी में हो जाता है किसी पीसी में नहीं होता है सर, ध्यान इसका भी रखिएगा। जैसे यहाँ टिक का निशान लग रहा है, ऐसे हर जगह पे टिक का निशान लगता है। अगर नहीं लग रहा है तो आप ओवरऑल पूरी सीट को इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन पूरी सीट इंपोर्ट होने से क्या होता है, दिक्कत हो जाता है कि फालतू की जो डेटा है वो भी चला आता है, ठीक है ना। अदरवाइज आप यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो पूरा सीट का डेटा इंपोर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या कुछ ऐसे वेबसाइट भी होते हैं जो कि डेटा स्क्रिप्टिंग नहीं करने देते हैं, तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ फ्रॉम वेब पे क्लिक किया, यस किया, और यहाँ मैं जीमेल की आईडी करता हूँ। और यहाँ पे साइन इन के लिए बोल रहा है, यहाँ इंपोर्ट अभी एक्टिव होने दीजिए। और यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर दिया, तो पूरी ईमेल लिस्ट आ जाती है। तो ये लेकिन दिक्कत क्या है कि हर वेबसाइट से डेटा नहीं आ पाता है, कुछ वेबसाइट इसको नहीं कर देते हैं डेटा, कुछ वेबसाइट इसको डेटा देते दे हैं। देखिए देखिए वेबसाइट आपका डेटा नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आया, वरना ईमेल का पूरा लिस्ट आना चाहिए था। लेकिन इसका जो लो ए था, जीमेल का जो लोअर वर्जन होता है बेसिक वर्जन, उसमें आ जाता है। तो वेब स्क्रिप्टिंग के जरिए डेटा आप ला सकते हैं। लेकिन अगर 2016 की बात करें तो यहाँ क्यूरी है, तो क्यूरी में आप जो है फ्रॉम फाइल फ्रॉम डेटाबेस जुड़े ऑनलाइन सर्विसेज फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसमें आपका वेब का आ गया। इसमें थोड़ी सी एडवांस फीचर आई है, चलिए इस फीचर्स को एक बार देखते हैं क्या है।
यहां पे मैं डाला, ऐड पार्ट वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको छोड़ते हैं, ये बेसिक ही करते हैं। ओके इसको हमने यहां पे कनेक्ट किया। इस वेबसाइट पर जितने भी टेबल होंगे उस टेबल का लिस्ट आपको दिख जाएगा। दिख गया सर? अब फिर इसको लोड एंड क्लोज कर लीजिए। आ गया सर? तो 2016 में थोड़ा सा एक नया वर्जन आया है जिसको आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि इस उस डेटा में जो उसकी स्पेक्स जो फाइल आपने डाला है उस फाइल में जो पर्टिकुलर डेटा शीट होगा, मतलब डेटा टेबल होगा, उसको कर देगा। और जब आप रिफ्रेश करेंगे तो अपने आपको चेंज भी करेगा, तो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा या फिर आप कनेक्शन पे जाए और कनेक्शन में जो आपने कनेक्शन लगा रखा है, अभी कौन सा कनेक्शन है कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आप डिस्प्ले पे आए टेबल जीरो और क्यूरी पे भी आ सकते हैं, क्यूरी पे आए। प्रॉपर्टीज पे जाए, अच्छा ये प्रॉपर्टीज है इसका, सॉरी हाँ डेवलपर में, सॉरी डेटा में कनेक्शन पे आए और अपना कनेक्शन को सबसे लास्ट वाला कनेक्शन है क्यूरी टेबल ये रहा, इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाएं। आप प्रॉपर्टी में जाने के बाद देखिए रिफ्रेश एवरी मिनट, आप यहाँ पे अगर हर एक मिनट पे अपना डेटा रिफ्रेश करना चाहते हैं तो आप हर एक मिनट पे डेटा को रिफ्रेश करवा सकते हैं, तो हर एक मिनट पे ऑटोमेटिकली डेटा को रिफ्रेश कर देगा, तो आपका जो है डेटा लाइव यहाँ पे हर एक मिनट में चेंज होता रहेगा और हर मिनट में आपको प्राइस दिखता रहेगा स्टॉक मार्केट वगैरह में आप मेंटेन करना चाहते हो। तो इसमें दो चीजें, एक आपका हुआ कि आप नॉर्मल वेब स्क्रिप्टिंग से करें, अगर इससे नहीं होता है तो फिर आप जो है फ्रॉम फाइल से करें, सॉरी फ्रॉम फाइल नहीं, यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में अदर सोर्सेज में, सॉरी फ्रॉम वेब। यहाँ पे क्या है कि आपका जो है जितना टेबल होगा उस टेबल को ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिफाई कर देगा और यहां पे वो डाल देगा, ठीक है? इसके लिए वो वेबसाइट चालू होनी जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है, आप वेबसाइट खोल के रखो ऐसी कोई जरूरी नहीं है, क्लोज कर सकते हैं। हाँ वो बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली खोलेगा, वो मैंने वेबसाइट खोल के दिखाया था आपको कि इस तरह से देख सकते हो। तो वेब स्क्रिप्टिंग में अब इसमें और भी है, जैसे कि ऑनलाइन सर्विसेज में देखे बात करें तो फेसबुक का डेटा भी यहाँ ला सकते हैं आप, ठीक है ना, लेकिन फिर फेसबुक में जाके आपको सिक्योरिटी को लो करना पड़ेगा। क्या है कि अभी अगर मैं मान लीजिए फेसबुक पे दिया तो अभी नहीं करेगा वो, क्योंकि मेरे फेसबुक का सिक्योरिटी लो नहीं है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी यूजर नेम डालिए, यहाँ पे कनेक्शन क्या चाहिए आपको, तो मुझे चाहिए फ्रेंड लिस्ट, ठीक है, पासवर्ड वगैरह मैं डाल रखा हूं और इसको आप लोड करें। तो हमारा फ्रेंड लिस्ट आ गया, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं हो पाया, कोई दिक्कत है इस कारण से। तो फेसबुक से आ जाता है, कभी नहीं आता, दिक्कत रहता है सर, वो फेसबुक की सिक्योरिटी एरर के कारण ऐसा होता है।
उसी तरीके से यहाँ पे आप ऑनलाइन न्यू क्यूरी में अदर सोर्सेज में आप शेयर पॉइंट है, डेटा फीड है, हडूप वगैरह फाइल है आपकी, या कोई एक्टिव डायरेक्टरी है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज है या ओडीबीसी है, वो चीज आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं आप। तो वेब स्किप ओडीबीसी क्या होता है? ओडीबीसी ऑरिकल डेटा होता है। ऑरिकल है या फिर उसी तरह टाइप का कोई डेटाबेस है, MySQL वगैरह उसका यूज होता है इसके ओडीबीसी। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए, फिर कल हम आपको जो है इसमें माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी को यूज करना सिखाएंगे कि आप खुद के सिलेक्ट क्यूरी, इंसर्ट क्यूरी, ऐसे क्यूरी कैसे इसमें लगाएंगे, ये हम आपको अगली क्लास में बताएंगे सर। सर हाँ बोलिए। जो कल की क्लास में आपने एक्सेल फाइल को लिंक करना बताया था, हाँ, उसके अंदर अगर मेरे को पर्टिकुलर कोई फिल्टर चाहिए हो, 5 से 6 मतलब क्राइटेरिया हो मेरे पास में, हाँ, तो उसके लिए बताया था ना आपको क्राइटेरिया लगाने के लिए। तब मैंने वो लगाने की कोशिश की, पर उसके अंदर क्या कि एंड और जहाँ पे अपन को क्वेश्चन मार्क देना होता है, हाँ, वहां पे वेयर जो है एक बार आ जाता है। ओके, कल मैं इसकी जो है ना SQL क्यूरी लिखना सिखाऊंगा, तो मैं आपको कल समझा दूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। तो पेड लिखा हुआ खुद से आता है ना, हम लिखना सिखाएंगे आपको कल, ठीक जी सर। अरे दोबारा तब तक क्या, एक बार में 5-6 ट्राई मत करो, पहले एक को ट्राई करो, फिर दो को ट्राई करो, फिर तीन को ट्राई करो, फिर चार को ट्राई करो, ऐसे 1 by 1 करेंगे सर, तो आएगा। एक साथ 5 ट्राई करो हो जाएगा सर। सर मैंने 2 ट्राई किए थे, बट जैसे मैंने वो फिल्टर लगाया, फिर वो अपन वहां पे टाइप करते हैं किसी का भी जो अपन ने फिल्टर लगाया है, फिर वो डाटा ब्लैंक हो जाता है, कुछ आता ही नहीं उसके अंदर। तो दोनों कंडीशन देना पड़ेगा, आपने एंड का कंडीशन लगाया होगा तो दोनों कंडीशन देना पड़ेगा। और हाँ नहीं, एंड का लगाया था, और लगाएंगे तो कोई एक भी चलेगा सर, दोनों कंडीशन होना चाहिए तभी दिखेगा। दोनों कंडीशन थे सर उस डाटा में। हाँ तो उस पे दिक्कत होगा, एंड और का दिक्कत होगा जी सर। ठीक है, ओके सर। मुझे 2 दिन का क्लास का ऑडियो मिल सकता है सर? ऑडियोस ठीक है, मैं देख के भेजता हूँ आपको। ठीक, ओके सर, थैंक यू।